नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुजीत मिश्रा टेक्निकल ब्लॉग्स। आज मैं आपको टेक्निकल ब्लॉग में दोस्तों स्टीम बॉयलर स्टीम टेम्परेचर इंडिकेटर स्विच के बारे में बताऊंगा, उसमें टेम्परेचर कैसे सेट किया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये हमारे स्टीम बॉयलर का ये पैनल है, ये स्टीम बॉयलर का पैनल है, और इसका जो टेम्परेचर स्विच लगा हुआ है ये लगा हुआ है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो, ये एक मेन है और ये एक इंडिकेटर शो कर रहा है और ये अप डाउन का है दोस्तों। तो जब भी आपने टेम्परेचर सेट करना है तो पहले दोस्तों इसको दबा के रखना है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो सेट टेम्परेचर है ये 200 है। अब मान लीजिए इसको बढ़ाना है तो दोस्तों यहाँ से देखिए ये बढ़ता चला जाएगा, और इसको कम करना है दोस्तों तो यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो सेट टेम्परेचर का ये बेनिफिट होता है कि इससे ऊपर आपका टेम्परेचर नहीं जाएगा। जैसे बॉयलर रनिंग में होगा तो मान लीजिए कोई इसमें दिक्कत आएगा तो ही इस 200 से ऊपर, जैसे आपने सेट टेम्परेचर जो भी रख रखा है उस कंडीशन में ये लिमिट को पार कर सकता है, अन्यथा ये अपना 200 से नीचे टेम्परेचर पे ही कट मारता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसका टेम्परेचर स्टीम का कैसे सेट करते हैं। तो ये एक थर्मेक्स कंपनी का हॉट वाटर बॉयलर है जो कि 400 केजी का है। तो आज मैंने इसके टेम्परेचर स्विच के बारे में बताया, अगले वीडियो में हम इसका प्रेशर कंट्रोल स्विच के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।